उजड़ा चमन डायरेक्ट किया इसे अभिषेक पाठक ने, और इसके अंदर स्टारिंग है सनी सिंह, मानवी गागरो, सौरभ शुक्ला। और पहले जो ये मूवी थी वो 8 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसे रिलीज़ कर दिया गया इसकी एग्जैक्ट डेट से पहले। देखो 7 नवंबर को जो थी वो बाला रिलीज़ होने वाली है, बाला जो है वो आयुष्मान खुराना की मूवी है। ये मैंने ऐसे पढ़ा था, यूट्यूब पे ही मैंने देखा था कि भी इनके जो रिलीजिंग डेट है वो मैंने वहीं देखी थी। तो अब मुझे नहीं पता ये पहले क्यों की गई, बाद में क्यों की गई, आई डोंट नो क्या रीज़न रहा। शायद रीज़न यही होगा कि बाला के भी जो बाला है वो भी मूवी आने वाली है सेम ही, लगभग सेम ही डेट को, और दोनों मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है गंजेपन को लेके, तो शायद इसीलिए जो है इस मूवी को पहले रिलीज़ कर दिया गया। अगर अब स्टोरी की बात करें उजड़ा चमन जो मूवी है, इसके अंदर एक लड़का है सनी सिंह जिसने किरदार निभाया है चमन कोहली का, और जो एक हिंदी टीचर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटीज़ नहीं यूनिवर्सिटी में, साथ ही ये जिसकी उम्र हो गई होती है वो 30 साल से ऊपर हो गई होती है, और ये शादी करना चाहते हैं किसी सुंदर लड़की से। अब आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी होगी तो देखना, जाके इसी चैनल पे मिलेगी, जो जिसमें बाला वर्सेस उजड़ा चमन दोनों की मूवी की मैंने बात की है, तो वहाँ पे भी मैंने एक सुंदर जो लड़की है उसके ऊपर व्याख्या की थी। जो हमारे जो समाज में है वो सुंदर लड़की का जो क्राइटेरिया जो तय किया गया है वो यह तय किया गया है कि वो लड़की जो है वो लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, बाल लंबे मतलब नैनक सुंदर होना चाहिए, रंग जो है उसका फेयर होना चाहिए। जो हमारे समाज की जो रियलिटी है वो इस तरह से सुंदरता को देखती है, तो ऐसे ही चमन कोहली जो है उसके दिमाग में ऐसा होता है कि वो किसी सुंदर लड़की से शादी करे, ताकि क्लास वाले जो मजाक उड़ा रहे हैं चमन कोहली का बार बार उजड़ा चमन बोल के टकला बोल के, एक एटलीस्ट उसके पास एक वाइफ आ जाए जो लोगों को दिखा सके कि मेरे पास एक सुंदर वाइफ है। और ये जो मेंटेलिटी लेके ये वो सुंदर लड़की का जो ये ख्वाब देखते हैं वो उसको पूरा करने के लिए मतलब कितने 50 रिजेक्शन वो झेल चुके होते हैं, मतलब कि 50 फैमिलीज में जाते हैं वहाँ पे उनको रिजेक्ट ही मिलता है क्योंकि वो गंजेपन के कारण, अब इस गंजेपन के कारण वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर गए होते हैं। इस मूवी में आप जब उनका किरदार देखोगे तो बहुत ही सीरियस, बहुत ही मतलब कि एक डिप्रेशन में एक लड़का देखने को मिलेगा आप लोगों को, कि अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका होता है, बात करने में झिझकता है। तो ये वो आप देखने को इस मूवी में आपको बेशक मिल जाएगा। 50 रिजेक्शन के बाद जब चमन सोचता है कि यार अब शायद प्यार में आजमाते हैं, तो प्यार में शायद कहीं ना कोई कोई लड़की मिल जाए, तो अपने फ्रेंड के शादी में जाता है तो वहाँ ट्राई करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। अपने ही कॉलेज में जो लेडी जो प्रोफेसर होती हैं जो अनमैरिड होती हैं उनको चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं तो वो भी मना कर देती हैं, ये फिर भी यहाँ कोई इनका हाथ नहीं लगता, तो ये अपना कॉन्फिडेंस और लूज़ करते हैं। फिर ऊपर से एक फर्स्ट ईयर की जो लड़की है वो चमन का यूज़ करती है अपने एग्ज़ाम में। ये सब होने के बाद उसके पिता जो होते हैं, जो चमन के जो पिता हैं, वो इसको बोलते हैं कि बेटा तू ना टिंडर पे ट्राई करो। वो टिंडर डाउनलोड करता है, टिंडर पे लड़की खोजता है, और एटलीस्ट उसको एक लड़की मिल भी जाती है टिंडर पे। अब टिंडर पे वो लड़की शादी के लिए ढूंढता है, दोनों में आपस में बात होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँ कि ये जो मूवी है केवल लड़कों का ये नहीं दिखाती कि जब वो गंजे हो जाते हैं तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ एक ऐसी लड़की यहाँ पे दिखाई गई है जो अपने ओवरवेट के कारण रिजेक्ट फेस करती है। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि जो चमन है जो अपनी गंजेपन के कारण अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया होता है, वहीं जो लड़की है वो मोटापा होने के कारण वो खुश है, वो अपने अब किसी की परवाह नहीं करती। वो एटलीस्ट चमन को बोलती भी है कि ऐसे तो लोग आज तुम्हारे गंजेपन का मजाक उड़ा रहे हैं, कल को तो वो किसी और चीज़ का भी मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तो लोगों के नज़रिए से हमें नहीं जीना है, हमें यह देखना है कि हम एटलीस्ट अपनी लाइफ में कितने खुश हैं। तो बहुत सुंदर जो बात बोली, मुझे बहुत पसंद आई। और इसमें एक डायलॉग आता है इस मूवी में, वो ये बताते हैं जो इसमें जो डायलॉग है कि जो राइटर ने जो लिखा है बहुत खूबसूरत इसमें जो ये लाइन लिखी कि दिलों की बात करता है जमाना और आज भी मोहब्बत चेहरे से शुरू होती है।
बेशक ये जो आप इस लाइन को आप समझोगे ना, इसमें कितनी गहराई है। आप मतलब कि किसी को आप सुनते हो कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मुझे मुझे उसे देखते ही उसे प्यार हो गया। यार प्यार कोई मजाक थोड़ा ना होता है कि आप देखोगे किसी से और आपको उससे प्यार हो जाएगा। प्यार का नजरिया क्या होता है, क्या देखते हो आप प्यार में? अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ता है कि आपको कितना समझते हैं, आप एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। वो चीज़ प्यार को बताती है, ना कि किसी का सुंदर होना ही प्यार को बता देता है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो जो राइटर ने लिखी, कितनी खूबसूरत है, कितनी जबरदस्त ये रियलिटी दिखाती है समाज को, लोगों की। जो टीनेजर होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो प्यार करना चाहते हैं, और वो प्यार किससे करना, किससे करते हैं कि जो इनको सुंदर दिख जाए, जो पतली हो, जो लंबी हो, जो नैननेक्स उसके अच्छे हो, जो खूबसूरत, मतलब कि जो फेयर हो, तो उससे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करती है। किसी की शादी में, किसी के लिए हम शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, अपने रिलेटिव में, अपने भाई के लिए, तो ये क्राइटेरिया हम तय करके जाते हैं कि लड़की में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये मूवी वो हमें बताने की कोशिश करती है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती हैं। मायने रखती है कि लड़का लड़की आपस में कितने खुश हैं, वो एक दूसरे को कितना समझते हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आई ये मूवी इस मामले में। और इसके अंदर लास्ट में जो चमन एक बात बोलता है, चमन मतलब कि राइटर के द्वारा जो एक बात बुलाई जाती है चमन से, कि हमारे जो समाज में दो प्रकार के जो लोग हैं, वो दोनों ही गिल्टी हैं, दोनों ही मतलब कि अब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि हम किसे, कहाँ लिखा गया है कि कौन सुंदर है, कौन अच्छा है, जिसके बाल अच्छे हैं, जिसके पास बाल हैं, और जो फेयर कलर का है, जो पतला नहीं है, मतलब कि जो मोटा नहीं है वो सुंदर है और वो अच्छा इंसान है, और वहीं जो जिसके बाल नहीं है, जो मोटापा, जिसके पास मोटापा है, जो जिसका रंग काला है, वो गंदा है, वो अच्छा नहीं है, वो सुंदर नहीं है। तो ये कहाँ लिखा गया है? ये कहीं लिखा नहीं गया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा समाज हमें बताता है और हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो इन ये इम्प्लीमेंट करने वाला, एक तो एक इंसान ये बात बोलता है किसी दूसरे को कि भाई तू टकला है, तू मोटा है, तू काला है, एक तो वो गुनहगार तो है यही, साथ में जो जो इसे सुन रहा है और जो सुन के वो अपने आप को ये मान भी रहा है, वो भी इस चीज़ में गुनहगार है। अब एक इंसान को अगर हम कुछ बोलें, अगर वो उस चीज़ से हर्ट होता है, तो वो जो हर्ट करने वाला, वो बार बार उसे वो बोलता रहेगा, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है आपको हर्ट करने में, उसे खुशी महसूस हो रही है। यही तो दस्तूर चलता है इस समाज का। कोई इंसान एक दूसरे बहुत कम होते हैं तो दूसरों को हर्ट नहीं करते, लेकिन देखो यार हमें खुद स्ट्रोंग बनना पड़ता है कि कल को तो कुछ और भी बोल दिया जाएगा। आज आज अगर उसे टकला बोला जा रहा है, तो आज उसने टकले से हट अपने आप को करना छोड़ दिया, बोल भाई जितना तुझे बोलना है बोल ले, हाँ हूँ टकला, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे, लेकिन कल को तो वो और कुछ बोलना स्टार्ट कर देगा। समाज जो है, जो ये जो लोग हैं, वो आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करते, आप मैटर करते हो, आपकी सोच मैटर करती है, आपका विचार मैटर करते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो अपने आप को। अगर आप तो अपने आप को समझते हो कि मैं सही हूँ, मैं खुश हूँ अपने आप में, तो बेशक आप खुश हो। कोई भले ही कोई आपको जानता नहीं, जो जानता है उससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आप जी रहे हो अपनी लाइफ को, उससे फर्क पड़ता है। तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई कुछ बोले। तो ये मूवी मुझे वास्तव में बहुत पसंद आई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लास्ट में जो चमन, जो राइटर ने चमन के द्वारा एक बात बोली, वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि कहीं कोई कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं। आप किसे सुंदर बोलेंगे, किसे आप बुरा बोलेंगे, किसे आप अच्छा बोलेंगे, कोई बात नहीं लिखी गई। आप जज करोगे उस चीज़ से कि उसने काम क्या किया है, ना कि उसके फेस से। बहुत अच्छी ये चीज़ मुझे लगी और ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। लेकिन मूवी के अंदर कुछ खामियां जैसे हैं कि ये पूरी तरह हमें हंसा नहीं पाती, ये मूवी हमें पूरी तरह इमोशनल नहीं कर पाती। इसमें कुछ एक जगह हमें जहां लगता है कि हाँ यहाँ इमोशनली हम कुछ और कर सकते थे, और जहां कॉमेडी की बात करें वहां कुछ और ज़्यादा कॉमेडी हो सकती थी, लेकिन ये उस चीज़ में कमज़ोर रहती है। लेकिन ये जो मैसेज हमें देती है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो लड़के की तरफ से वो अपने गंजेपन को लेके, या जो लड़की जो है वो मोटापे को लेके, इन चीज़ों के ऊपर ये मूवी काफ़ी सारे सवाल उठाती है जो हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो मेरे लिए ये मूवी बहुत मुझे पसंद आई। मेरी तरफ से इस मूवी को
8 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप अपने विचार भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, काफ़ी अच्छी मूवी है। और बड़ा ही अच्छा दिन जा रहा है, मतलब कि टर्मिनेटर डार्क फेट देखी और फिर ये उजड़ा चमन देखी, मतलब कि मैं कहीं पर भी नहीं कह सकता कि मैं दोनों मूवी देख के मैं कोई दुखी हुआ, नहीं। पैसा वसूल मूवी है दोनों की दोनों, और टर्मिनेटर डार्क फेट का भी मैंने रिव्यू कर दिया है, अगर नहीं देखा है वो रिव्यू तो आप जाके देखें। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।